नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, भारतीय रेलवे धीरे धीरे अपना पैसेंजर ट्रैफिक फिर से शुरू कर रहा है। कुछ क्षेत्रों में अनारक्षित ट्रेनें चलाने की शुरुआत हो चुकी है। वर्तमान में पूरे देश में स्पेशल यानी कि आरक्षित ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के लिए भी अनारक्षित ट्रेनें चलाने की मांगें यात्रियों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि डेली अपडाउनर्स तथा अन्य ग्रामीण परिवेश के यात्री रिजर्वेशन कराकर यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ आर्थिक मजबूरियां भी हैं तो कुछ तकनीकी अज्ञानता भी इसके पीछे है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की सबसे पहली अनारक्षित ट्रेन कोरोना लॉकडाउन लगने के बाद अब शुरू हो रही है। बहरहाल हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की पहली अनारक्षित ट्रेन। यह ट्रेन ललितपुर से खजुराहो के बीच आज से शुरू हो रही है। इसका नंबर 041-17-041-18 है। यह ट्रेन खजुराहो से आज सुबह 7:10 पर रवाना हुई थी, जो ललितपुर 11:30 पहुंच चुकी है। यहां से दोपहर 12:00 रवाना होकर शाम 4:00 खजुराहो पहुंचेगी। इस ट्रेन के ठहराव दरियागंज, बसारी, महाराजा छत्रसाल स्टेशन छतरपुर, ईशानगर, रामपुरा टीला, खरगापुर, सरकनपुर, मवई, टीकमगढ़, उदयपुरा और बिरारी स्टेशन पर होगा। इन स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट काउंटर के माध्यम से टिकट लेकर यात्री यात्रा कर सकते हैं। आने वाले समय में पश्चिम मध्य रेलवे भी अपनी मेमू ट्रेनें तथा कम दूरी की पैसेंजर गाड़ियां अनारक्षित टिकट प्रणाली से शुरू करने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के पास भेज चुका है, जिस पर कि इसी हफ्ते कुछ निर्णय हो सकता है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले होली के त्यौहार के पहले कई अनारक्षित ट्रेनें विभिन्न क्षेत्रों से चलाई जाएंगी, जिनके कारण से आम जनता को काफ़ी फायदा होगा। हालांकि हम वर्तमान में चल रहे कोरोना के फिर से सक्रिय होने की खबरों के आधार पर आप लोगों से पूरी सतर्कता बरतने तथा कोरोना नियमों का पालन करने का अनुरोध भी करना चाहते हैं। आप लोग बिल्कुल सावधानीपूर्वक यात्रा करें तथा अत्यंत जरूरी होने पर ही यात्रा करें, ऐसा हमारा आपके लिए सुझाव है। हालांकि पश्चिम रेलवे ने अपनी मेमू, डेमू व पैसेंजर ट्रेनों को विशेष आरक्षित श्रेणी में ही चलाने का फैसला किया है। इससे रेगुलर यात्रियों को काफ़ी नाराजगी है तथा वे लोग बार बार ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा करने से पहले बार बार ट्रेन बदलने की आशंका से ग्रस्त हैं। इसके लिए हम आपको छोटी सी जानकारी अपने अगले वीडियो में देना चाहते हैं। यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आगे भी हम अनारक्षित ट्रेनों के चालू होने संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी का धन्यवाद।